मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है, घर की बात घर में रहने दी, इसके बदले तुझे क्या चाहिए बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मोहन जी को प्रॉपर्टी पेपर्स दे दीजिए। ले लो। लगा झटका? आपने 4 हफ्ते का टाइम दिया था, मेरे दोस्त ने तो 1 हफ्ता भी नहीं लगाया है। तुम्हें क्या हो गया मोहन मिश्रा? ओहो, आपको दहेज देने का डर है? हम इतने भी लालची नहीं है, बस पैर धोने के लिए मिनरल वाटर ले आना काफी है। तुम 2 दिन मेरे घर पर रहे और मेरी जान बचाई, परिवार का हिस्सा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से। उन पेपर्स की क्या कीमत है, साइन करके दे दूंगा। आज शाम मेरी बहन हॉस्टल से आ रही है, उसे तुम्हारी शादी पक्की करके दहेज में वो पेपर्स दे दो, फिर मार देना इसके मुंह पे। देवराज की बातें सुनकर कहीं तुम्हारा धोने का मन तो नहीं कर रहा क्या? पैर जोक मारता है। मैं वानी को चाहता हूँ जीजा जी। एक लड़की के प्यार में तो कोई भी पड़ सकता है। जिस दिन चाकू देख के पसीना ना छूटे उस दिन मेरे पास आना, फिर सोचेंगे। जूता बहुत टाइट हो गया परम। सिचुएशन से भी टाइट है क्या? हाँ परम, किस्मत। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी नहीं होती, सगाई उस लड़की से होती है जिससे कोई और प्यार करता है। समझ में नहीं आता जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सगाई कब होगी परम। देखो किस्मत आके हाथ मिला रही है, लेकिन बदकिस्मती आके मुंह पे पप्पी देके जा रही है। मेरे लिए? नहीं वानी के लिए, सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? अपने भाई जैसी, बस मुझे नहीं होगी। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। ना 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 ना। भाभी ने ये साड़ी भेजी है। तेरा नाम क्या है? समीरा। कहाँ से? मुंबई। वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। खुद पे रख कर दिखा। कर दी ना साड़ी खराब? जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना। ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। शूलेस। लग रही है ना एकदम टकाटक। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो। अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती,
मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा, फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? उस घर में 5 साल तक रहे ताकि अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके। किसी भी त्योहार पर हमारे साथ नहीं रहे। मरने के बाद आज घर लौटे हैं, बिना कुछ बोले ही चले गए। कोई ऐसे मारता है क्या खाते हुए? तेरे रोने से हमारे भैया वापस आ जाएंगे। मैं बदला कराऊंगी, मैं देवराज को नर्क में भेजूंगी। तीनों भाइयों को मार डाल, उसका सर घर से अलग कर दो। हे, निकलो यहाँ से, क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो, चलो जाओ। मेरी बातें तीर की तरह चुभ रही है ना तुम्हें? नहीं, दिमाग में एक आइडिया है। गोपाल को खाना खाते हुए मारा, यही कहा था ना आपने? वो अपनी बहन की सगाई में सबको खाना खिलाएगा, उसे वही मारूंगा। मुंह में निवाला डालते ही ऊपर पहुंच जाएगा। बैठिए पंडित जी। हाँ बताइए। बस्त स्त्री चंद्रमान श्री मद नाम। पंडित जी श्लोक रहने दीजिए, तारीख बताइए। तारीख 6 मार्च 2016। और टाइम बताइए। टाइम दोपहर के 12:01। हाँ ठीक है। हाँ, मेरी बहन और तुम्हारी सगाई पक्की हो गई। अब गाओ ना, गाओ ना। वाह, बकरे को हलाल करने से पहले उसे माला पहनाई जाती है, बिल्कुल इस तरह। अब इसे इत्तेफाक कहूं या तुम्हारी फूटी हुई किस्मत? तुम्हारी सगाई 6 मार्च को है, मेरी दी हुई डेडलाइन की एक्सपायरी भी उसी दिन है। दोपहर के 12 बजे तुम चैलेंज हारोगे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ोगे। फिर 12:01 पर तुम्हारी सगाई देवराज की बहन से होगी और वो पेपर्स मेरे पास आ जाएंगे। इस दुनिया में तुम जैसा बदकिस्मत आदमी और कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई बदकिस्मती का पता पूछता तो मैं तुम्हारा पता बता देता। देखो, एक शेर होता है, उसे निमोनिया हो जाता है तो वो नॉनवेज खाना छोड़कर आराम करता है। ये जानने के बाद एक खरगोश उसके सामने नाचने लगता है, शेर भड़क जाता है और उसे मार के खा जाता है। इससे क्या सीख मिलती है आपको? यही कि शेर झूठा निकला है ना। गलत जवाब। शेर की हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसके सामने कभी फुदकना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा बच्चा किया ना तो कच्चा चबा जाऊंगा। सबसे पहले जाके अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कराने के लिए एक अच्छा बजट फ्रेंडली हॉल ढूंढो। तो क्या तुम्हें लगता है वो अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर कहेगा, मेरी बहन से शादी करने की जरूरत नहीं, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो जाओ उसके साथ शादी करो और जी लो अपनी जिंदगी। ये थॉट अच्छा है, अब ऐसा ही होगा। तारीख तो पक्की होगी। अब वो भाई से नहीं कह रहे कि उसे शादी नहीं करनी, करे तो क्या करे? सुन, अगर तू खुद देवराज से कह दे तो कैसा रहेगा? वो कहेगा ठीक है जाओ। पेपर्स का क्या?
ना वो पेपर देगा ना हम निकाल पाएंगे। हाँ ये दरवाजा जो बंद है, दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं। ऐसा है? हमें बस एक चोर चाहिए। ऐसा? अब इन सबके बीच में चोर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? जब बिना ढूंढे एक उल्लू मिल गया ऑटोग्राफ बाद ढूंढने से एक चोर नहीं मिल सकता। हेलो वाणी की शादी क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है? ये तो है। रुको ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा लेकिन ये तो लेके जाओगे? सुनिए वाणी की शादी पता है? मैं जूते पहनना भूल गया, अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना, स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो, नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी के लिए। हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया, वाणी के राइट में जो खड़ा। फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बोतल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है, जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ, ये ले एंजॉय। अरे सर इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की, ज्यादा की का नहीं करने का। ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो तुम पैसे रखो। लो धन्यवाद मैडम। रे 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 रे। ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में, ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या। तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी बी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा। तो क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया, जान बचाई है तुम्हारे लिए, जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है, तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही, या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से? कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर वन, ओरैंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। मनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है? What? No tension, बालक। हम हैं तो क्या गम है, च्युइंग गम चबाओ, लेकिन घर में नहीं बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया? शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं? क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे?
वो भी लड़की, प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब। आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। True, sir. लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। Yes, sir. वो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस, प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी? मैं इसका पति हूँ। कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं बर्बादी है, है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैं तो क्या, मैंने बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को भेज दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए, उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। आइए आइए। नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इसके लिए हम हर प्रॉब्लम उठा सकते हैं। परिवार की यही तो पहचान है, सारी प्रॉब्लम्स का डट के मिल के सामना करता है, हम सब की तरह। और दो ना। वानी, तुम्हारी जेठानी आई है। आप इतनी दूर अकेले आई हैं? नहीं, मेरे पति साथ आए हैं। और ये मेरी बेटी है। और आप कौन? मैं विराज की भाभी हूँ। विराज की मम्मी नहीं आई? हाल ही में मेरे ससुर जी गुजर गए, माँ जी उस सदमे से निकल नहीं पा रही। सगाई वाले दिन वो आ जाएंगी। नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? I'm sorry, John. Indians में manners थोड़े कम होते हैं, especially villagers. They are ridiculous. Come, let's sit. So, John. पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ, तो वो यहाँ बैठा है। Sorry, John. कहा ना मैंने जाहिल है। खैर छोड़ो। आप चलेंगे? लाओ ना। लीजिए सर। ये कहाँ दूँ? किसे दूँ? कहाँ रखूँ? इतने भी पी रखी है क्या? कब क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है, तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? भूत भी बुरा मानते हैं। जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है, नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। ओके। अब देख मजा। हेलो। पी के आया है? आपसे दुल्हा मिलने आया है। अपना मुंह देखा है आईने में? रोज देखता हूँ। शादी का लड्डू क्यों खाना चाहता है? कौन सी शादी, कौन सा लड्डू, क्या बात कर रहे हो? देवराज की बहन मेरी साली से शादी क्यों कर रहा है? मामला समझ गया ना, अब निकल ले। दफा करो इसको, चैन से नाश्ता करने दो मुझे। चल निकल रहे। कॉफी लेंगे आप? क्या कॉफी सर? एक बार ये शादी कैंसिल हो जाए तो फिर कॉफी चाहे कॉकटेल पीऊंगा। सर आपने सोचा समझो, हो गया। एक कप चाय लाकर दूं क्या? आइडिया, मुझे आइडिया लाके दो। आइडिया मतलब आइडिया का सिम कार्ड वाला फोन नहीं उल्लू। देखिए ये फोन गोपाल रंगा सिंह का है, यानी वीरा सिंह के भाई का फोन। हाँ। आप अभी उसे फोन कीजिए, हम उसे ऐसा ऑफर देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा, काम बन जाएगा। ओके। उड़े हुए तोते गिन रहे हो? ये गीला टॉवल कहाँ सुखाया जाए ये सोच रहा हूँ। टॉवल की छोड़ो, कुछ काम की बात सोचो। इस शादी पर फुल स्टॉप लगाने का मस्त आइडिया आया है। वीरा सिंह से बात करके इस घर में उसके आदमी घुसाने पड़ेंगे, उसके बाद दूल्हे को टपका डालेंगे। वैसे भी उसे अपने तीन भाइयों की मौत का बदला लेना है। और फिर वो लोग दूल्हे की भेलपुरी निकालेंगे, कोल्हापुरी घुसा।
पर देवराज उसे नहीं मारेगा क्या? रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इज धार? कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, फिर भी तुमने तलवारें नीचे कर दी, यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं, 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे, बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो। अगर वीरा सिंह नहीं रुका और उसने तुम्हारे साले को भी मार दिया तो? उसका आइडिया भी मैं लगा चुका। hey! Stop! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए और अपना हथियार नीचे गिरा दिया, यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ओले ले ले। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। 20 गांव आज से तुम्हारे, एक मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे साले का क्या? क्या होगा? हाँ, माला डाल के लटकेगा। आप कॉल करें। मिस्टर वीरा सिंह, मैं सुनील तुम्हारे साथ हूँ, ये मोहन मेरे साथ है। देवराज तुम्हारे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बहन का होने वाला पति है, इसलिए तुम्हें उसको 9-2-11 करना चाहिए। मार डालो। उसे मारने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो क्या इनविटेशन कार्ड दूं? चलो दे दिया समझो, अब तो आ जाओ, काम तमाम कर दो। देवराज के घर में घुसना कोई हलवा है क्या? कल उसकी बहन की सगाई है, रात को पार्टी है, सारा गांव वहां पर मौजूद होगा। तुम अपने आदमी भेज देना, उनका ख्याल मैं रखूंगा, उसे नींद में ही उड़ा डालेंगे, सोते सोते सुला देंगे। तुम मेरे आदमियों को पहचानोगे कैसे? उन सबको लाल गमछा डालने के लिए कह देना, अगली बार जब तुम्हें कोई फोन करके बुलाए अकेले मत आना, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, मारे जाओगे। चल भाग यहाँ से। बिना पूछे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? एडवाइस बिना मांगे ही दी जाती है जानी, और जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब चलो। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाढ़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं हेयर स्प्रे था, हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा देखा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार, एकदम बुरा लगेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, साइड धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है फिर भी देवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया। हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट टू, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? दैट्स पॉइंट नंबर 3। डोंट बी इन अ हरी, मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। Sure, sure. करके नहीं मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? Hey! देखो इसे कहते हैं हैरानी। देखा, कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। ओह माय गॉड, बिग रॉड। मैं ले आया। ओके अब हटा दो,
हाथ का पंजा ही ठीक था, गाल मारो चाहे कितना मार लो। Fantastic, सर, इसको बोलते एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर ये का टॉयलेट पेपर है। फीडबैक पेपर सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये क्या कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे सारे को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। लाल गमछे वालों के आने का वक्त हो गया है, तुम बस उन्हें अंदर ले आओ, वो सब संभाल लेंगे। देख लूंगा। चलो